हेलो गाइस, हम एफिशिएंसी पे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं. ठीक है. द एफिशिएंसी ऑफ अ 200 केवी 1100 एंड ऑब्लिक 230 वोल्ट ट्रांसफार्मर इज अ मैक्सिमम ऑफ 98.0% एट 50% रेटेड लोड. ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, हमें दिया क्या, हमें केवी तो दे दिया, प्राइमरी सेकेंडरी वोल्टेज दे दिया है. ठीक है, हम मैक्सिमम इफिशियंसी बता दिए कितनी है और किस रेटेड लोड पे, यानी एक्स की वैल्यू हमें बता दी है. यहां से एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 डिवाइड बाय 100 यानी 50% मीन्स व्हाट, हाफ लोड यानी 1/2. ठीक है, हमें भी कह सकता था हाफ लोड भी कह सकता था, 50% कहा है यहाँ पे. ओके, हमें कैलकुलेट क्या करना है, कोर लॉस. देखिए, पहले हम पहला कैलकुलेट करते हैं, इफिशियंसी के फॉर्मूले पे आते हैं. तो हमें चूंकि एन मैक्स दिया है तो हम एन मैक्स लिखेंगे, हमें इफिशियंसी मैक्सिमम दिए था. यहाँ पे ये हम एक्स कौन सा रखेंगे फॉर इफिशियंसी मैक्सिमम के लिए, जो हम यूज करेंगे एक्स. ठीक है, केवीए पावर फैक्टर, केवीए हमें पता था. ठीक है, पावर फैक्टर यहां भी एक्स मैक्सिमम, केवीए पावर फैक्टर, डब्ल्यू आई एक्स स्क्वायर इतना. ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें पावर फैक्टर नहीं कहीं पे दिया है, तो हम एज्यूम करेंगे कि यहाँ पावर फैक्टर जो है 1 है, चूंकि हमें कहीं मेंशन नहीं किया है यहाँ पे पावर फैक्टर कितना है, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि पावर फैक्टर की वैल्यू 1 है. ओके, अब देखिए, मैक्सिमम एफिशिएंसी मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होती है, जब हमारा आयरन लॉस और कॉपर लॉस जो है इक्वल हो जाए. ओके, तो वो कंडीशन हमारी क्या होती है, मैक्सिमम एफिशिएंसी की होती है. कॉपर लॉस कौन सा, मतलब जो हमारा ओवरऑल सर्किट का जो कॉपर लॉस हो रहा है वो आयरन लॉस के इक्वल हो जाए. ठीक है, तो इसीलिए मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन में क्या होगा, डब्ल्यू आई इज इक्वल टू डब्ल्यू सी यू. और डब्ल्यू सी यू क्या क्या मतलब है, डब्ल्यू सी यू किस कंडीशन में, जब उसमें एक्स परसेंट रेटेड लोड की कंडीशन में. ठीक है, और यहाँ पे एक्स के लिए क्या, यानी 50% ऑफ रेटेड लोड की कंडीशन में जो हमारा सर्किट में ओवरऑल जो कॉपर लॉस हो रहा होगा वो हमारा आयरन लॉस के इक्वल हो जाए. तो 50% रेटेड लोड की कंडीशन में ओवरऑल सर्किट में कॉपर लॉस कितना हो रहा होगा, जो हमारा फुल लोड की कंडीशन में जितना कॉपर लॉस होता है उसमें मैक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते, एक्स वही होगा हमारा ईटा मैक्स वाला. क्योंकि ये चीज कब होती है, जब एक्स एक्स ही हम तभी तो कहते हैं ना कि ये हमारी मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए तो एक्स हम निकालते हैं. ठीक है, तो एक्स ये ईटा मैक्स वाला होगा, तो ये दोनों इक्वल हो जाए. इसका मतलब हमारे जो इफिशियंसी का फॉर्मूला, इसकी जगह पे हम क्या प्लेस कर सकते हैं, डब्ल्यू आई. ओके, ये प्लेस कर सकते हैं. अब देखिए, ये हम यहाँ पे रख देंगे, मैक्सिमम इफिशियंसी हमें दी थी 0.98 या 0.98 98% दिया था हमें, तो हम उससे परसेंटेज से हटा लेंगे. ठीक है, पर यूनिट में चेंज कर लेंगे 0.98. 0.5 हमारी एक्स की वैल्यू थी, 50% ऑफ रेटेड लोड कहा है क्वेश्चन में, आप एक बार बैक जाके देख लीजिएगा. 200 × 10³ केवी है हमारा. ठीक है, ये भी ये हमारा वही है, और बस हम मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्स स्क्वायर जो आपका ये था, डब्ल्यू आई तो यहाँ पे होता ही है, और चूंकि ये मैक्सिमम एफिशिएंसी है तो इस कंडीशन में दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो ये तो चेंज होता नहीं, ये तो वैसे ही रहता है. इसको हम किससे प्लेस कर देंगे, डब्ल्यू आई से, यानी आयरन लॉस से. अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां से मैं डब्ल्यू आई की वैल्यू आ जाएगी, हमसे यही पूछी थी. सेकेंड कंडीशन हमसे क्या, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इफिशियंसी एट रेटेड लोड. रेटेड लोड का क्या मतलब है, एक्स की वैल्यू अब हमको 1 करनी है. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, लेकिन उसके लिए देखिए रेटेड लोड पे जब हम निकालेंगे. ठीक है, आते हैं वापस फॉर्मूले पे. देखिए, यहां से अगर हम रेटेड लोड पे एफिशिएंसी निकाले तो एक्स तो ठीक है 1 हो जाएगा, पावर फैक्टर हमने 1 एज्यूम किया, केवी रेटिंग हमें पता है. ठीक है, ये पता है, ये पता है, ये भी पता है, आयरन लॉस हमने पीछे फाइंड कर लिया, एक्स ठीक है यहां पर, लेकिन हमें कॉपर लॉस नहीं पता था. कॉपर लॉस हम कैसे फाइंड, कॉपर लॉस कौन सा, फुल लोड वाला कॉपर लॉस. तो फुल लोड कॉपर लॉस कहां से फाइंड होगा, हम जानते हैं एक्स इज इक्वल टू एक्स, जो हमें ईटा मैक्स, जब मैक्सिमम एफिशिएंसी थी, मैक्सिमम एफिशिएंसी किस कंडीशन में हुई थी, 50% ऑफ रेटेड लोड, तो वहां से एक्स की वैल्यू क्या आई थी, 0.5. और ये एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होती है, अंडर रूट ऑफ, ये हमने लिखा था ना पीछे फॉर्मूला, हमने ये तो माना पीछे एक्स एन मैक्स. ओके, डब्ल्यू सी यू फुल लोड इज इक्वल टू डब्ल्यू आई, ये हमने माना है ना.
सॉरी या एक्स एंड मैक्स सॉरी ऐसा ही है ठीक है, ये हमने माना है पीछे भी बैक में भी मैंने यूज किया ना, तो आप बैक जाके देख लीजिएगा मैंने पीछे ये फॉर्मूला यूज किया है। मैंने बताया कि जो कॉपर लॉस जो आपका फुल लोड पे होता है उसमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ये उस ओवरऑल सर्किट का लॉस होगा, कॉपर लॉस होगा, और वो जो होता है आयरन लॉस के इक्वल हो जाता है, उसी कंडीशन हमारी एफिशिएंसी जो होती है मैक्सिमम होती है। तो यहां से एक्स एंड मैक्स की वैल्यू क्या आएगी, डब्ल्यू आई बी डब्ल्यू सी यू एफ एल ओके, यानी कॉपर लॉस फुल लोड पे, और एक्स एंड मैक्स की वैल्यू क्या दी थी 0.5, क्योंकि कहा था 50% ऑफ रेटेड लोड पे हमारी एफिशिएंसी मैक्सिमम हो रही है, यानी उस समय एक्स की वैल्यू क्या थी 0.5। तो यहां से हमारी जो फुल लोड कॉपर लॉस होगी वो आ जाएगी ठीक है। अब अगर हमको ये मिल गया तो हम एफिशिएंसी फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमसे फुल लोड पे कहा है, फुल लोड में एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, बाकी वैल्यू उस समय थी पहले से ही दी हुई थी ओके। तो यहां से ही हमारी एफिशिएंसी ऑफ फुल लोड पे फाइंड हो जाएगी। अब हमसे क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है एफिशिएंसी एट अ लोड ऑफ 75%। बस यहाँ पे फिर से वही x चेंज कर दिया, x की वैल्यू क्या हो जाएगी इस कंडीशन में 3/4, यानी कि आप और कह सकते हैं 0.75। तो अब x के लिए हम क्या रखेंगे 0.75, केवी रेटिंग हमारी वही रहेगी, पावर फैक्टर हमने पहले ही 1 एज्यूम कर लिया था ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे, यहाँ भी वही चीज है ठीक है। बाकी आपका आयरन लॉस पीछे फिर हमने अभी कैलकुलेट किया था पीछे, वहां से आपका आयरन लॉस आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और कॉपर लॉस आपने ऊपर अभी कॉपर लॉस कैलकुलेट किया ना, कॉपर लॉस हमने कैलकुलेट किया ना, तो वही कॉपर लॉस हमारा फुल लोड वाला लेते हैं यहाँ पे ठीक है, फुल लोड कॉपर लॉस 0.75 का स्क्वायर ओके, ये आपकी एक्स की वैल्यू, यहां से आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी परसेंटेज में, हम इसे लिख देंगे, ये जो होगी आपकी पर यूनिट आएगी, इसे हम परसेंटेज में लिखना होगा तो 97.8400 से मल्टीप्लाई कर देंगे ओके। थैंक यू।